हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एनपीसी की इस न्यू वीडियो में। और ये वीडियो थोड़ी सी अलग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मैं आप सभी अपने कमर की पेटियां बांध दीजिए और बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारे पीसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं, बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स, बहुत सारे कंपैरिजन आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हैं पीसी कम्युनिटी के एक बेताज बादशाह, एक्रो फॉर गेमर्स के एडमिन, किसी के भाई किसी की जान, हमारे विशेष मिश्रा जी। और मिश्रा जी कैसे हैं आप? मैं अच्छा था, अब मैं बहुत अच्छा हो गया। ठीक है विशेष जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे सबसे पहले क्वेश्चन, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक बजट गेमिंग के लिए बेस्ट स्पेसिफिकेशन और बेस्ट बजट क्या होना चाहिए? तो मैं सब रेकमेंड कुछ साल पहले से कर रहा हूँ और आज भी रेकमेंड करूंगा कि जो इंटेल की i5 सीरीज आती है उसमें जो 400 सीरीज के सीपीयू हो, या वो 12400 हो या वो करंट जनरेशन 13400 हो, डेफिनेटली आप i5 की तरफ ही जाएं, बिकॉज AMD में उस प्राइस ब्रैकेट में कोई ऑफरिंग इस टाइम पे नहीं है जो उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ गेमिंग दे सके। मल्टीकोर दे सकता है 3600 राइजन का, लेकिन बेटर है कि गेमिंग के लिए आप चूज कर रहे हैं तो आप पैसे थोड़े बचाएं और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आपके लिए हाई सिंगल कोर परफॉर्मेंस जो है वो ऑब्वियसली 13400 आपको डिलीवर करेगा। इसको आप पेयर कर सकते हैं 3060 एक NVIDIA का RTX 3060 या एक 4060 तक के ग्राफिक कार्ड के साथ, ब्रैकेट आपके लिए खुला है 3060, 3060 Ti एंड 4060, तीनों में से कोई भी कार्ड आप ले सकते हैं। कोई भी B सीरीज का आप चिपसेट वाला मदरबोर्ड आप ले सकते हैं। आई थिंक 512 GB SSD आपकी आ जाएगी, 16 GB की आप DDR4 मेमोरी ले सकते हैं। DDR4 में 3200 MHz से 3600 MHz के बीच में कोई भी मेमोरी ले लीजिए, एंड 1 TB की एक आपकी हार्ड ड्राइव लग जाएगी 750-850 वॉट की। आप बिकॉज गोल्ड पावर सप्लाईज काफी सस्ती हो चुकी हैं, तो जैसे डीप कूल जैसी होती हैं आप डीप कूल की PM सीरीज ले सकते हैं या DQ सीरीज ले सकते हैं, एंड डेफिनेटली आप 750-850 वॉट की पावर सप्लाई पेयर अप कर लीजिए। एंड आई थिंक कैबिनेट में एनी कैबिनेट दैट हाउसेज डिसेंट कूलिंग, जैसे कि आप एंटी स्पोर्ट्स से कैबिनेट्स हैं, इस समय आप 690 एयर भी ले सकते हैं, आप 410 TG उनका है वो ले सकते हैं, एंड एयर कूलर आप डेफिनेटली यहाँ कंसिडर करिए। मुझे नहीं लगता लिक्विड कूलिंग की जरूरत है एक 13400 CPU को कूल करने के लिए, तो आप डेफिनेटली आप डीप कूल का ऐसे AK 400 आता है या AG 400 आता है, आप डेफिनेटली कोई एक सिंगल टावर वैसा एक एयर कूलर पे कर सकते हैं। आई थिंक यू विल बी गुड टू गो। जहां तक आपने पूछा एक प्राइस की, आइडियली अगर आप मेरे से पूछें तो 70,000 से 1 लाख रुपीस का जो प्राइस सेगमेंट है, अगर आप वहां तक इन्वेस्ट कर सकते हैं तो जरूर करिए, बिकॉज आपको 1080p हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग, बिकॉज आप ये भी देखिए कि साथ 120Hz, 144Hz, 165Hz काफी कॉमन हो चुके हैं, बहुत सारी ब्रांड्स अब मॉनिटर्स की आ चुकी है मार्केट में, तो 70,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का बजट 1080p गेमिंग के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट है। जो हम पीसी बिल्ड करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है इंटेल और AMD, इट डिपेंड्स कि आपका यूज केस क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें मैंने रिकमेंड ही इंटेल का सीपीयू इसलिए करा क्योंकि वो गेमिंग के लिए। ओके, अगर आपका बजट वहीं पे होता कि मुझे 70,000 से 1 लाख रुपए तक में एक ऐसा पीसी चाहिए जो एडिटिंग में भी कॉम्पिटेंट हो, वीडियो एडिटिंग है या ग्राफिक एडिटिंग है, एंड गेमिंग भी करा सके, बिल्कुल बैलेंस चाहिए, तब मैं वहां AMD का 3600 आपको रेकमेंड करता, बिकॉज आपको वहां कोर काउंट ज्यादा मिलता है, तो मल्टी कोर परफॉर्मेंस आपका 13400 से वो कंपैरेटिवली बेटर है। तो यही बात है कि अगर आपका एडिटिंग का यूज केस है तो आपकी चॉइस ऑफ प्रोसेसर अलग हो जाएंगे, अगर गेमिंग का है तो आपका यूज केस जो है वो अलग है, तो वहां पे प्रोसेसर की चॉइस डिफरेंट हो जाती है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इंटेल का ही प्रोसेसर लीजिए, बट अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर प्रूफ हो, आपको मदरबोर्ड नया ना लेना पड़े और आप आगे बस सीपीयू चेंज करते रहिए, तो डेफिनेटली आप AMD की 7000 सीरीज की तरफ जा सकते हैं। तो ठीक है, एक रैपिड फायर छोटा सा हो जाना चाहिए यहाँ पे, तो मैं विशेष जी के साथ रैपिड फायर, काइंड ऑफ रैपिड फायर है। ठीक है, तो पीसी कम्युनिटी के बेताज बादशाह, पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी तरफ, इंटेल i5 12600K और i5 13400, 12600K Why? Core count equal है, okay. Boost clock ज़्यादा है। AMD Ryzen 5 5600X और 5600G। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो 5 5600X, ग्राफिक कार्ड नहीं है या कोई भी इश्यू है तो 5600G, मुझे लेना हो तो मैं 5600G लूंगा। NVIDIA RTX 3060 और 4060? Definitely 4060। VRAM कम है, okay. लेकिन आर्किटेक्चर नया है, हाई पावर एफिशिएंसी, लेस पावर बिल एंड ऑलमोस्ट इक्वल टू मोर फ्रेम्स,
एंड बेटर टेक्नोलॉजी एंड रिफाइनमेंट तो मैं 4060 डेफिनेटली। ग्राफिक्स कार्ड के लिए आप AMD रिकमेंड करेंगे या NVIDIA? मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप एक सिंपल प्लग एंड प्ले सॉल्यूशन चाहते हैं एंड यू वांट एवरीथिंग दैट इज आउट देयर इन द वर्ल्ड तो आप डेफिनेटली NVIDIA का कोई भी ग्राफिक कार्ड ले लीजिए, अदरवाइज AMD इज नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल। और सर किसी कोई आप अपडेट्स हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे PC कम्युनिटी से रिलेटेड? तो 14 जनरेशन आने वाला है, जो रूमर्स हैं वही मैं भी जानता हूँ, वही आप भी जानते हैं, वही आप में से काफी लोग भी जानते होंगे। DDR5 मेमोरी की अगर हम बात करें तो रिवोल्यूशन हैज स्टार्टेड। अब 16GB की आपको सिंगल स्टिक मिल जाती है, जहां हम 32GB की हमें लेनी पड़ती थी, एंड डेफिनेटली 128GB की सिंगल स्टिक आने वाली है, एंड आपको इसी साल देखने को मिल जाएगी फ्रॉम वेरी पॉपुलर ब्रांड्स जो कि शायद हम भी हैंडल करते हैं Inacro, एंड वो आप डेफिनेटली यहाँ से जरूर खरीद पाएंगे। तो ये था विश्वेश मिश्रा जी के साथ हमारा एक कन्वर्सेशन PC कंपोनेंट्स को लेके, PC अपडेट्स को लेके। तो डेफिनेटली उम्मीद करते हैं कि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर हमने इसमें, काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे, और जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं मिले हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में हमें ड्रॉप कीजिए अपना क्वेश्चन। वी आर लाइक ट्राइंग टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, एंड आप हमें DM कर सकते हैं हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे, डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। और अगर आप अपना PC बिल्ड देख रहे हैं तो what are you waiting for? यार सिंपली विजिट our वेबसाइट, कॉल our कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, DM us on our सोशल मीडिया हैंडल्स, वी आर मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू गाइस। विश्वेश जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड डेफिनेटली हम जल्द ही दोबारा आएंगे वापस एक नए टॉपिक, एक नए अपडेट्स के साथ।